हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो गाइस। तो आज की वीडियो में मैं TVS रेडर का एक फुल्ली ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूं। तो ये है मेरे TVS रेडर, इसको लिए हुए मुझे 2 महीने हो चुके हैं और साथ में ये 1000 किलोमीटर चल चुकी है। तो ओवरऑल लुक देख लीजिए, बहुत ही अच्छा इसका लुक आता है 125 सेगमेंट में। इससे प्यारी लगने वाली बाइक सिर्फ एक है, वो है ड्यूक 125, जो कि अपने प्राइस की वजह से, अपने परफॉर्मेंस की वजह से जस्टिफाई नहीं करती है और फर्स्ट चॉइस नहीं बनती है। देख लीजिए यार, 1052 किलोमीटर ये बाइक चली हुई है। और साथ में गाइज़ यहाँ पर मैंने ये फ़ोन होल्डर भी लगाया हुआ है, ये मुझे बाहर से लगाना पड़ा है, कंपनी फिटेड नहीं है। तो गाइज़ यार, ये जो बाइक है इसको आपको लेना चाहिए या नहीं, तो मैं पहले इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले इसका पॉजिटिव पॉइंट है गाइज़, वो है पिकअप। पिकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसका, मतलब कहूँगा कि आपको कहीं भी चढ़ा तो ये नहीं रुकने वाली है भाई। और दूसरी चीज़ है इसका टॉप एंड, टॉप एंड इसका बहुत अच्छा निकल जाता है, लगभग 120 121 इजीली ये टॉप एंड निकालती है अपना हाईवे पे। और बिल्कुल यार, ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है गाइस। देखो 1,20,000 रुपीज़ में अगर आप कोई और बाइक लेने जा रहे हो, उससे अच्छा है गाइस आप इसको ले लो। ये पल्सर NS125 को भी पीछे छोड़ती है, मतलब ऐसी कोई 125 सेगमेंट में बाइक नहीं है जिसको ये पीछे नहीं छोड़ती हो। साथ में इसकी हैंडलिंग बहुत प्यारी है गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छी हैंडलिंग। आपने अगर कभी स्कूटी चलाई है उसके बाद आप ये बाइक चलाने वाले हो, तो आप लोग इससे बहुत प्यार करने वाले हो गाइस, क्योंकि जो इसका इंजन है ना, इसकी डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुई है, जिसकी वजह से पहली बात तो हीट नहीं आती है और दूसरी बात इसकी कंट्रोलिंग बहुत प्यारी होती है। फ्रंट डिस्क बैक में जो ये ड्रम ब्रेक्स आते हैं बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। डिस्क अगले वाली बहुत अच्छी है, ड्रम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, जैसा ड्रम करती है वैसा ही ये करती है, क्योंकि ड्रम ब्रेक्स पे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात है गाइस, इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है गाइस, ऐसी नहीं है बुरी। और सबसे अच्छी बात इस बाइक की है चीप मेंटेनेंस, क्योंकि गाइस आप लोग इसको सस्ते में मेंटेन कर सकते हो। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा सेंसर लगे हुए, जिसकी वजह से अगर आपकी बाइक कहीं खराब होती है तो आप लोग को सेंसर चेंज कराने के लिए कंपनी जाना पड़ता है। ये इसके डिसएडवांटेज है मेरे हिसाब से। बाकी गाइस, अगर आपको पावर और माइलेज साथ चाहिए तो ये बाइक ले लो, मतलब FZ बराबर की पावर देती है और स्प्लेंडर बराबर माइलेज देती है, तो इसलिए आपकी चॉइस होनी ही होनी चाहिए गाइस। अगर आप लोग के पास कम पैसे हैं और आप गेड़ियाँ वेड़ियाँ मारना चाहते हैं, तो इसका टायर पतला देखने में ज़रूर लगता है, बट कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई एरी रहती है आपकी, कोई कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा।